कर्पूरी ठाकुर अमर है, कर्पूरी ठाकुर अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा पूरी जय का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पूरी जय का नाम रहेगा, कर्पूरी ठाकुर अमर है, कर्पूरी ठाकुर अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा पूरी जय का नाम रहेगा। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है आज, उसके लिए हम लोगों ने आज अपने निजी आवास पे, सरकारी आवास पे 15 फीट का प्रतिमा का आज माल्यार्पण हमने किया है। और हमेशा हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोग चलने का काम किया है। उन्होंने बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, पिछड़े समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, हर समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और एक मंजिल तक प्राप्त किए हैं। और आज हम उनको आज याद कर रहे हैं, और साथ ही हमारी लड़ाई भी है कि खास करके बिहार में अति पिछड़ा जाति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके लिए हम लोग काम करें। क्योंकि पहले जब कर्पूरी जी के फार्मूला के तहत बिहार में अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया गया 18%, उसमें पहले 92 जाति का नाम था, लेकिन बाद में सरकार ने उसको 128 जाति कर दिया, लेकिन उसमें कोटा नहीं बढ़ाया गया। तो हम लोग हमेशा मांग करते आ रहे हैं कि इस कोटा में 10% आरक्षण का वृद्धि हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे समाज के लोग इसमें जुड़े हैं। तो इसके लिए उचित जो पुराना, जो खास करके कर्पूरी जी के समय में जो नाम दर्ज था, कहीं ना कहीं आज उसको नुकसान हो रहा है, उनको सही से सम्मान नहीं मिल रहा। तो हमारी पार्टी का हमेशा सोच है कि आरक्षण 10% बढ़ाया जाए। ऐसे कई ऐसे स्टेट में राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है उसमें 75% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पे आज हम आग्रह करेंगे कि 10% आरक्षण बढ़ाया जाए। और हमने पहले से ही हर समय हमने कहा कि जो बिहार में अति पिछड़ा समाज का 33-35% संख्या है, तो उनके जनसंख्या के आधार पर उनको विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें उनको सम्मान मिले। तो उसको देखते हुए हमने 2019 में लोकसभा में भी हमने 2 सीट अति पिछड़ा हमने लड़ा और 1 पिछड़ा समाज को लड़ा है, जिसमें हमने 33% से अधिक हमने अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया। 2020 में भी 11 सीट में 4 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया, जो हमारे पार्टी का हमेशा घोषणा रहा कि 33% से अधिक हम चुनाव लड़ाएंगे। तो हम ये हमेशा ये फार्मूला को पूरा करते हैं। भविष्य में भी हमारे पार्टी में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, ऐसे जब भी चुनाव होगा उसमें जो बिहार में जो अति पिछड़ा समाज का जो जनसंख्या है, ऐसे समाज को हम हमेशा 33% से अधिक टिकट देने का हमेशा हम काम करेंगे। 2 चुनाव हमने लड़ा और जो हमने वादा किया बिहार के अति पिछड़ा समाज से, हमने वो पूरा किया। और भविष्य में भी इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अति पिछड़ा समाज को सम्मान देंगे, पूरे बिहार के हर जाति धर्म को लेके चलने का काम करेंगे। और मजबूती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को गांव-गांव और पूरे प्रदेश में उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब हमारे बीच में जो लोग नहीं रहते हैं उनको, वो हमारे विचारों में जिंदा रहते हैं। जैसे फूलन देवी हमारे विचारों में जिंदा है, जुब्बा सहनी जी हमारे विचारों में जिंदा है, उसी तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी हमारे विचारों में जिंदा है। और वो जो बता के गए रास्ता, उस रास्ता पे हम लोग काम करते रहेंगे, गरीब कल्याण का काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि एक नाई समाज से आते हुए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बदौलत वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और बिहार में लाखों करोड़ों अति पिछड़ा समाज को उन्होंने कल्याण किया। जो आज सर उठा के जी रहे हैं या चल रहे हैं बिहार में अति पिछड़ा समाज, उसमें कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी का बड़ा भूमिका रहा है। और ये हमेशा उनके विचार को मैं पूरे बिहार में जिंदा रखूंगा। इसके लिए आज आप सभी को विशेष तौर पर धन्यवाद। आज पूरे बिहार से पार्टी के वरीय पदाधिकारी आज यहाँ पे आए कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821703।
7996। हमने बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहा किया, न तो हमारा निर्णय था कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करें, लेकिन कोरोना को देखते हुए हमने बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन पार्टी के मुख्य जो जिला लेवल के जो पदाधिकारी है आज इस अवसर पे आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।